हेलो स्टूडेंट्स, स्वामी केशवानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड ईयर के लिए, बीएससी थर्ड ईयर के लिए फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स को तीन बुक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से एक बुक है ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर है क्रिस्टल बंधन तथा संरचना, ठीक है। और हर एक बुक में सिलेबस दिया हुआ है, तो आप लोगों को सिलेबस तो लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और साथ में आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जिसका पहला चैप्टर है क्रिस्टल बंधन तथा संरचना, उसमें क्रिस्टल बंधन के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल बंधन क्या होता है? हमारे नेचर में बहुत सारे परमाणु होते हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में भ्रमण करते हैं, ठीक है। स्वतंत्र अवस्था में वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते आते रहते हैं, लेकिन यदि उन परमाणुओं को थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं, उनको पास पास लेके आते हैं, तो उनके बीच में एक बंधन बन जाता है, उनके बीच में एक बल लगने लग जाता है। तो वो जो बल लगता है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल बंधन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि परमाणु एक दूसरे के साथ में अटैच होना स्टार्ट कर देंगे, उसी को हम क्रिस्टल बंधन कहते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं के कारण होता है, ठीक है। अब जो ये अन्योन्य क्रियाओं के कारण जो बंधन बनते हैं, उन्हीं से हम अन्य द्रव्य तैयार करते हैं, लिक्विड तैयार करते हैं, ठोस तैयार करते हैं, जो भी है वो इन्हीं बंधनों के कारण बनते हैं। क्योंकि पहले जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में विचरण कर रहे हैं, तब वो क्या गैस की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको पास में लाया जाता है और उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तब वो या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव्य में बन जाते हैं, या फिर वो ठोस बन जाते हैं, ठीक है। तो इन परमाणुओं को एक दूसरे के पास में लाने में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम बंधन ऊर्जा या सह संजक बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं? और जो परमाणु को पास में लाने में ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो उन्हीं परमाणुओं को यदि हम अलग अलग करेंगे तो उसके लिए भी उतनी ही ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जितनी की उसको जोड़ने के लिए चाहिए हो रही है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी क्रिस्टल को जो कि परमाणुओं को जोड़ने के बाद बना है, उसके घटक स्वतंत्र परमाणुओं में जो कि उसके घटक हैं स्वतंत्र परमाणु, ठीक है, मैं पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा को, तो प्रत्येक परमाणु को उस क्रिस्टल से अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वह उसकी सहसंजक या बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है बच्चों। अब जो ये आबंध बनता है, जो ये परमाणुओं के बीच में जो आबंध बनता है, वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो प्रकृति डिपेंड करती है, वो किस किस पर डिपेंड करती है? वो परमाणु की प्रकृति पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि अलग परमाणु अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में जो आवेश का मान है, ठीक है, एक तो ये इस पर निर्भर करती है, परमाणु के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो आबंध बनेगा, वो परमाणु के नाभिक में आवेश के मान पर डिपेंड करेगी। ये परमाणु होता है, इसमें एक नाभिक होता है, बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नाभिक होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस नाभिक के अंदर एक आवेश है प्रोटॉन के कारण, ठीक है। नाभिक न्यूट्रॉन जो होता है वो तो होता है न्यूट्रल, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन धनावेशित होता है,
तो परमाणु के नाभिक में जो आवेश है उसकी प्रकृति पर भी आबंधी की प्रकृति निर्भर करती है, ठीक है। दूसरा, जो इसके बाह्य कोष हैं, जो इस नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं बनी हुई हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से हो रखा है उसके ऊपर भी आबंध की प्रकृति निर्भर करती है, ठीक है। और आयनों की त्रिज्या पर भी प्रकृति निर्भर करती है। यदि कोई परमाणु अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, जो मूल अवस्था होती है, उसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल दे, ठीक है, तो ये क्या धनावेशित हो जाएगा और दूसरा परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा, तो ये आयन कहलाते हैं। जब ये अपने बाह्य कोषों में से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हैं तब ये आयनिक रूप में आ जाते हैं, आयन कहलाते हैं। तो उस रूप में जबकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा इस परमाणु में से, तो उस रूप में इसकी जो त्रिज्या होगी इस परमाणु की, इस त्रिज्या पर भी आबंध की प्रकृति निर्भर करती है, ठीक है। तो आबंध की प्रकृति किन किन कारकों पर निर्भर करती है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं आबंधों के प्रकार पर। जो ये आबंध बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आबंधों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है आयनिक बंधन, ठीक है, आयनिक बंधन। दूसरा है सहसंयोजक बंधन, तीसरा है धात्विक बंधन, चौथा वंडरवाल बंधन और पांचवा है हाइड्रोजन बंधन, ठीक है। पहला आयनिक बंधन हम पढ़ते हैं। आयनिक बंधन कैसे बनते हैं? आयनिक बंधन जब इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, जब इलेक्ट्रॉन का दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को दे देता है जो कि ग्राही परमाणु कहलाता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है वो दाता परमाणु कहलाता है और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ग्राही परमाणु कहलाता है, ठीक है। तो जब दाता परमाणु और ग्राही परमाणु दोनों पास पास आते हैं तब इनके बाह्य कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तब इनके बाह्य कोष से संयोजी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु के बाह्य कोष से ग्राही परमाणु के बाह्य कोष में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, जाके ऐड हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, फिर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलने पर वो धनावेशित हो जाता है और ग्रहण करने पर वो ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आयन प्राप्त होते हैं। आयन प्राप्त होंगे तो वो जो आयन होंगे वो होंगे धनावेशित और ऋणावेशित आयन मिलेंगे हमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्थिर विद्युतिकी हमने 12th क्लास में पढ़ी हुई है, उससे हमको पता है कि धनावेश और ऋणावेश इन दोनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल से भी बहुत ज़्यादा गुना में ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रबल आकर्षण बल के कारण हमारे पास में दो परमाणु एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, उनके बीच में आबंधन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो उसी को हम आयनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। और जो इससे जो क्रिस्टल बनेगा, इन आयनों के आपस में जुड़ने से जो क्रिस्टल बनेगा उनको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, और जो आयनिक आबंधन होता है, आयनिक जो बंधन होता है वो हमारा अक्रिय गैसों की तरह ही इसकी क्रियाविधि होती है। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं, जैसे अकार्बनिक यौगिकों के अंदर आयनिक बंधन मिलते हैं, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक मतलब जिनमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है, तो Na और Cl, सोडियम प्लस क्लोराइड, ठीक है। तो इसके अंदर सोडियम के बाह्य इलेक्ट्रॉन एक सोडियम से निकल जाता है और क्लोरीन के परमाणु पर जाके ऐड हो जाता है। तो यहाँ से निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस पर धनावेश आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर ऋणावेश आएगा ऊपर,
ठीक है। और ये धनावेश और ऋणावेश क्रिएट होने के कारण जब इनको पास पास लेके आया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रबल आकर्षण बल से आकर्षित करेंगे और NaCl नमक तैयार करते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल हमें मिलेगा इस तरीके से आयनिक बंधन के कारण, ठीक है। इसी प्रकार कैल्शियम प्लस क्लोराइड को जब हम ऐड करते हैं तो कैल्शियम के बाह्य कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, और ये +2 धनावेशित आयन बनाता है। और क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाता है तो Cl- बनता है, लेकिन क्लोरीन के हमको यहाँ पर 2 परमाणु लेने पड़ेंगे तभी हमारी ये इक्वेशन के अंदर बैलेंस बढ़ेगा। तो CaCl2, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए आयनिक बंधन के। अब इसके कुछ लक्षण हम देख लेते हैं कि आयनिक क्रिस्टल किस स्थिति में हम बोलते हैं कि आयनिक क्रिस्टल है इसके अंदर। तो हमको उसके अंदर कुछ एक उसकी प्रॉपर्टीज दिखेंगी उस क्रिस्टल की। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, एक तो इसकी सहसंजक ऊर्जा होती है, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल हमको पता है कि प्रबल आकर्षण बल क्रिएट करते हैं, तो जो ये क्रिस्टल तैयार करने में जो ऊर्जा का खपत होता है, जो ऊर्जा हमको यूज़ करनी होती है, वो ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टलों के लक्षण में पहला लक्षण सहसंजक ऊर्जा अधिक होती है, सहसंजक ऊर्जा अधिक होती है। दूसरा कठोरता तथा भंगुरता, कठोरता तथा भंगुरता भी उसकी ज़्यादा होगी क्योंकि जब आकर्षण बल ज़्यादा है तब उसके परमाणु एक दूसरे के साथ में ज़्यादा नज़दीक और ज़्यादा प्रबलता से जुड़े हुए होंगे, तो इसके क्रिस्टल कठोर होते हैं और एकदम से यदि उनको ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है तो एकदम से ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो भंगुर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब आयनिक क्रिस्टलों का तीसरा लक्षण है गलनांक तथा क्वथनांक। तो बच्चों आयनिक क्रिस्टलों के लक्षणों में गलनांक तथा क्वथनांक भी इनके अधिक होते हैं क्योंकि इनमें जो परमाणु हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं और ज़्यादा प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक का मान भी अधिक होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसका विद्युत चालकता। विद्युत चालकता में जब हमको पता है कि जो आयनिक बंध बनता है तो आयनिक बंधन कैसे बनता है, जो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आदान प्रदान के कारण, और संयोजी इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने के काम में आ जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव आ जाता है, इस क्रिस्टल के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव आ जाता है क्योंकि हमको जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मिलेंगे वो बाहरी कोष में से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके मुक्त होने के कारण मिलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और वो जब फ्लो करेगा तभी हमारे पास विद्युत धारा फ्लो होगी, और जब विद्युत धारा फ्लो होगी तो उसी को तो हम चालकता बोलते हैं। विद्युत धारा तभी तो फ्लो होगी जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा फ्लो होती है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो विद्युत धारा कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये चालकता होती है वो भी कम होती है, ठीक है। अवरक्त किरणों का अवशोषण, ठीक है, जो इनके मेन इंपॉर्टेंट लक्षण हैं आयनिक क्रिस्टलों के, उनमें ये अवरक्त किरणों का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो अवरक्त किरणों का बहुत अधिक अवशोषण करते हैं तथा कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों को ये पास कर देते हैं, ठीक है। इनकी विलेयता डिस्कस कर लेते हैं। विलेयता में क्या है, ये क्रिस्टल जल में सरलता से घुल जाते हैं, ठीक है, जल जैसे विलायक में ये सरलता से घुल जाते हैं, ठीक है।
और अन्य विलायकों की कंपैरिजन में जल में ये जल्दी घुलते हैं। क्रिस्टल संरचना क्या है इसकी? क्रिस्टल संरचना इसकी क्या होती है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सुसंकुलित संरचना होती है। ठीक है, सुसंकुलित संरचना बनती है। ठीक है, और जो ये आयनिक बंध बनता है इसमें परमाणुओं के ऊपर समान आवेश बनता है। जैसे सोडियम है पूरे नमक के अंदर, तो उस पूरे सोडियम जितना भी सोडियम आयन होंगे उन सब पे प्लस वन आवेश होगा, और जितने भी क्लोरीन आयन होंगे उन पे सब पर माइनस होगा, माइनस वन होगा। ठीक है, तो जो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो सिमेट्री में लगता है। ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब सम्मिति में लगता है। हर एक जगह पर Na प्लस और Cl माइनस, इनके बीच में जो ये बंध बन रहा है, ये जितने भी आयन होंगे उन सब में समान होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर या इसके ऊपर भी प्लस है और इसके ऊपर भी माइनस है, एक है, दोनों पर एक एक है, इस पर भी एक एक है, इस पर भी एक एक है। तो इस स्थिति में जो ये आबंध की जो पावर है वो प्रत्येक परमाणुओं के लिए समान होगी। तो इनके बीच में जो ये आकर्षण जो बल लग रहा है ये ध्रुवीय नहीं होगा, मतलब कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी, ये पूरे के पूरे विलयन में, पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर समान रूप से इसकी प्रकृति हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलों की विशिष्ट ऊष्मा सामान्य होती है तथा निम्न ताप पर डुलापेती के नियम का पालन करती है। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो डुलापेती के नियम का अनुसरण करती है। ये हम ऊष्मा गतिकी के अंदर पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में। ठीक है, डुलापेती के नियम का अनुसरण करती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से क्रिस्टल बंधन का पहला प्रकार आयनिक बंधन हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास बंधन है वो है सहसंयोजक बंधन। हाँ, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा आबंधन है वो है सहसंयोजक आबंधन। ये कैसे बनते हैं? यदि परमाणुओं के मध्य जो आबंध बनता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बने तो इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे परमाणु होते हैं उनके बाह्य कोषों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे दो परमाणु हैं, है ना, उन दोनों परमाणुओं के बाह्य इलेक्ट्रॉन, जैसे एक परमाणु ये हो गया, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा परमाणु है उसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये दोनों साझेदारी करते हैं, मतलब कि बाहर ना निकल के ये परमाणु के अंदर ही रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। इसकी मतलब कि ये परमाणु भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है और ये परमाणु भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है और ये परमाणु भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है और ये परमाणु भी इस इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर रहा है। तो ये एक तरीके से साझेदारी हो गई है। तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन इस टाइप का बंध बनाते हैं तो इसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम मीथेन गैस का, जिसमें कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ जो कक्षाएं हैं कार्बन के परमाणु को उसके ऊपर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चार हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में क्रिया करती है और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन, ये साझेदारी करके मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये मीथेन बना, तो इस प्रकार से जो ये बंध बनता है ये होता है सहसंयोजक बंधन। ठीक है, और अब सहसंयोजी जो क्रिस्टल होते हैं इनके लक्षणों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है भौतिक अवस्था, इनकी भौतिक अवस्था किस तरीके की होती है।
ठीक है। तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों में जो इनकी भौतिक अवस्था जो बेसिक रूप से पाई जाती है वो गैस तथा द्रव्य के रूप में पाई जाती है, है ना। और जो चतुर्थ ग्रुप है, ठीक है, ये तीसरे चौथे और पांचवे ग्रुप के अंदर, जो आवर्त सारणी आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो तीसरे चौथे और पांचवे जो ग्रुप के जो भी हमारे पास तत्व होते हैं वो सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, जिसमें से जो तीसरे जो चौथे ग्रुप वाले सहसंयोजक तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। चौथे ग्रुप वाले जो सहसंयोजक तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और इसके अलावा तीसरे और पांचवे वाले जो होते हैं वो गैस और द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका लक्षण है वो है सहसंयोजक ऊर्जा। यदि जो ये इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हो रही है तो इसके द्वारा जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, यदि वो कमजोर बल है, मतलब वो वैन डर वाल बल बंद बनाते हैं, अगर ये वैन डर वाल बंद बनाते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में वैन डर वाल बल बंद कौन से होते हैं, जिनके बीच में आकर्षण कम होता है, वो जो कि अन्य बलों की तुलना में कमजोर होते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार के बल बनाएंगे तो इसको अलग करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो भी कम होगी, क्योंकि इन बंदों के बीच में जोर कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो कम होगी, और उनके गलनांक और क्वथनांक भी कम होंगे। गलनांक और क्वथनांक भी कम होंगे, ठीक है। और यदि जो ये बंद बन रहे हैं, ये बड़े बड़े परमाणुओं के बीच में बन रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो बल लग रहा है वो भी अत्यधिक है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे पास सहसंयोजक ऊर्जा हमने पहले से ही समझ रखा है, उसकी डेफिनेशन पहले की थी हमने, कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों जो परमाणु हैं जो कि पास आके बंद बना रहे हैं, उनको अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो सहसंयोजक ऊर्जा होगी। तो अगर इनके बीच में बल ज़्यादा होगा तो सहसंयोजक ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, और जब परमाणु पास ज़्यादा हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं, तो उस केस में उनको अलग अलग करने के लिए वाला क्वथनांक, मतलब कि गैस के रूप में परिवर्तित करना, लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस पे जल को जब हम गर्म करते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो क्वथनांक पॉइंट कहलाता है, जिस पर कि ये जो जल होता है वो द्रव से गैस के रूप में परिवर्तित होता है। तो यदि कोई क्रिस्टल यदि द्रव के रूप में है और यदि उसको गैस के रूप में परिवर्तित करना है, मतलब उसके जो परमाणु हैं उनको दूर दूर करना है, तो दूर दूर करने के लिए उसके बंध को तोड़ना पड़ेगा, और बंध को तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा है इस केस में, तो इसका क्वथनांक होगा जो भी ज़्यादा होगा, मतलब उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है प्रचक्रण। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी हो रही है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो घूर्णन होता है, जो स्पिन करते हैं इलेक्ट्रॉन, चक्रण करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो प्रति समांतर होते हैं, मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है, मतलब कि जैसे कि आयनिक बंधों के अंदर तो हमने कहा था कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आदान प्रदान प्रत्येक परमाणु के लिए सेम होगा। जैसे सोडियम है तो उसमें NaCl के पूरे क्रिस्टल के अंदर सोडियम के ऊपर +1 आवेश ही होगा। क्लोरीन है तो उसके ऊपर -1 ही होगा। तो उस केस में तो उसके अंदर डायरेक्शन नहीं बन पाती थी, क्योंकि बंधों के बीच में जो पावर जो है, जो बंधों की जो स्ट्रेंथ है, सारे बंधों के अंदर सेम ही है, ठीक है। NaCl कहीं पर भी बंध बढ़ाएंगे तो सेम पावर के बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सहसंयोजक बंधन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का कोई फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का इसके अंदर डायरेक्शनल होते हैं, ये हाईली डायरेक्शनल होते हैं, तो ये जो बंध बनते हैं ये ध्रुवीय प्रकृति होती है इनकी, ठीक है। और इनकी चालकता के बारे में यदि डिस्कस करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चालकों के पदार्थ मिलते हैं,
सहसंजक बंधन के कारण, सहसंयोजक बंधन के कारण अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनकी अलग अलग चालकता होती है। जैसे हीरा है, ये इसके अंदर सहसंयोजक बंध बनता है लेकिन ये कुचालक होता है। जर्मेनियम और सिलिकन है, ये भी सहसंयोजक बंधन बनाते हैं लेकिन ये अर्धचालक होते हैं। और ग्रेफाइट होता है, इसमें भी सहसंयोजक बंधन बनता है लेकिन ये सुचालक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंधन से बनने वाले पदार्थों की चालकता डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, फिक्स नहीं कह सकते कि सहसंयोजक बंधन वाले जो पदार्थ हैं वो हमेशा चालक होंगे या कुचालक होंगे। ठीक है, अब इसकी प्रकाशीय गुण भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाशीय गुण का मतलब कि इसका लाइट के साथ में किस तरीके का बिहेव करता है, ये जो सहसंयोजक बंधन बनता है जिन पदार्थों में वो लाइट के साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं। तो जिन किरणों की तरंग दैर्ध्य अधिक हो, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा जिसकी अधिक हो, जैसे ये हमारी वेव है, तो यहां से और यहां तक की जो हमारी जो ये लेंथ है ये होती है लैम्डा। अगर इसकी लेंथ किसी वेव के अंदर ज्यादा है तो ये वाले जो क्रिस्टल हैं सहसंयोजक बंधन वाले, ये जो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें होंगी उनको तो ये पास कर देंगे, मतलब पारदर्शी होंगे। और जिन 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 वेव्स की तरंग दैर्ध्य छोटी होगी, मतलब ये लेंथ इसकी कंपैरिजन में जैसे इसके अंदर छोटी है, ठीक है, तो जो कम तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं उनको ये पास नहीं करती हैं, उनके लिए अपारदर्शी की तरह कार्य करती हैं। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका चुंबकीय गुण क्या है, इनके चुंबकीय गुण होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं, मतलब कि ये चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। और इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अंदर सहसंयोजक बंध मिलते हैं और चतुसंयोजी तत्वों के अंदर सहसंयोजक बंध मिलते हैं। चतुसंयोजी क्यों जरूरी है, जिससे कि हाइड्रोजन के साथ ये इजीली अटैच हो जाएं और हाइड्रोजन के परमाणु के साथ ये अटैच हो जाएं। ठीक है, तो ये चतुसंयोजी तत्व और कार्बनिक यौगिकों के अंदर हमारे पास चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय होते हैं और ये सहसंयोजक बंधन हमें इन यौगिकों के अंदर मिलते हैं। तो बच्चों, आज हमने आयनिक बंधन तथा सहसंयोजक बंधन कंप्लीट कर लिया है और कल हम बाकी के जो बंधन हैं, धात्विक बंधन, ठीक है, अणु या वंडरवाल बंधन, हाइड्रोजन बंधन, बाकी के बंधनों को कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।